नमस्ते मैं डॉक्टर प्रसून्त चटर्जी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में जरा चिकित्सा विभाग का कंसल्टेंट हूँ आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि उम्र के साथ साथ क्या क्या बीमारी होती है और क्या क्या उम्र के साथ साथ नेचुरल चीज़ है और क्या क्या बीमारी है जिसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाके इलाज करना चाहिए तो जैसे कि हम जानते हैं उम्र के साथ साथ हमारा बाल सफ़ेद हो जाएगा दांत कुछ कुछ झर जाती है स्किन हमारा ड्राई हो जाती है तो ये सब डॉक्टर के पास जाके इलाज करने की जरूरत नहीं है जैसे स्किन के बारे में बताऊँ स्किन ड्राई हो जाना इज़ अ वेरी कॉमन थिंग लेकिन हम सोचते हैं कि ये शायद एलर्जिक डिजीज़ है तो उसके लिए एंटी एलर्जिक लेते हैं कुछ कुछ लोग स्टेडर भी लेते हैं इसका इलाज बहुत सिंपल इलाज मैं कहना चाहता हूँ कि नारियल तेल हम स्किन में लगाए और एडिकुएट पानी पिए इसके बावजूद भी स्किन ड्राई होता है तो लिक्विड पैराफिन बहुत सस्ता वाला चीज़ है उसको हम लगा सकते हैं बेसिकली हमें इसको इमूलेंट लगा के इसको स्मूथ रखना चाहिए और थोड़ा थोड़ा स्किन में देखा जाता है कि स्पॉट भी दिख रहा है विच इज सेनाइल परप्यूरा हम कहते हैं थोड़ा खून का स्पॉट है वो लेकिन उसके लिए डरने की कोई बात नहीं दिस इज वेरी नॉर्मल चेंजेस बाल को कलर करना है कि नहीं दैट इज योर चॉइस उसके बाद uh, उम्र के साथ साथ आँखों का जो लेंस है वो भी पुरानी हो जाती है इसके बीमारी को कहते हैं कैट्रैक्ट थोड़ा थोड़ा ड्राइनेस भी होता है आँखों में तो ड्राइनेस आँखों के ड्राइनेस के लिए हमें लुब्रिकेंट आँखों का जो लुब्रिकेंट है वो यूज़ करना चाह चाहिए तो आर्टिफिशियल टीयर जिसको कहते हैं वो लगाना चाहिए कान के अंदर वैक्स हो तो कान साफ कर ले तो कभी कभी कान का हेयरिंग प्रॉब्लम ठीक होती है अदरवाइज अगर ये नशे में डैमेज हुआ है तो हमें कान के लिए हेयरिंग एड जरूर लगाना चाहिए जितना देखना जरूरी है उतना सुनना जरूरी है नहीं तो दोनों आपको डिमेंशिया की तरफ लेके जा रहा है तो जितना देखना जरूरी है उतना सुनना ही भी जरूरी है। हमारे देश में बहुत सारे प्लान आए हैं कैट्रैक्ट को इराडिकेट करने के लिए बट स्टिल कैटरैक्ट बहुत ज़्यादा है हमारे सीनियर सिटीज़न में तो आप खुद का भी कराइए और आसपास के सीनियर सिटीजन जितना को जानते हैं जिनका कैट्रैक्ट है उनको जरूर सर्जरी कराना चाहिए और हेयरिंग एड जिसका ज़रूरत है उनको ज़रूर लगाइए थोड़ा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास या जो लगाए उनके पास जाके लेकिन इसको लगाना जरूरी है उसके बाद होता है कि भूलने का बीमारी अगर हम दिमाग में सोचें इसमें बहुत कॉमन प्रॉब्लम है भूलने का बीमारी इसके कुछ हद तक हम सोचते हैं कि उम्र के साथ साथ भूलना नॉर्मल है लेकिन उम्र के साथ साथ भूलने का बीमारी नॉर्मल नहीं है उम्र के साथ साथ क्या होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है एक बच्चे को एक चीज़ एक बार बोला जाएगा तो वो याद रखेंगे हमें इस उम्र के साथ साथ क्या करना है कि एक चीज़ को हमें दो तीन बार अपने अंदर रट लेना है तो वंस इट इज़ रजिस्टर्ड यू आर एज गुड एज एनी यंग पर्सन लेकिन वो चीज़ हमें कर लेना है और ब्रेन का जितने तरीके से हम स्टिमुलेशन कर सकते हैं वो करें लेकिन कब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो भूलने का बीमारी मतलब सिर्फ चीजें भूल रहे कुछ करके भूल रहे वो नहीं है इसके साथ साथ इट कैन बी अ लैंग्वेज प्रॉब्लम लैंग्वेज में कुछ आपको नए शब्द ढूंढने में दिक्कत हो रही है ये जिसमें भी अर्ली साइन ऑफ डिमेंशिया आपको बैलेंस में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सीढ़ी से उतर रहे हो सीढ़ी के ऊपर चढ़ रहे हो लग रहा है कि एक स्टेप मिस हो गया हो जाएगा दिस कैन बी भी अर्ली साइन ऑफ डिमेंशिया आपको ज़्यादा अपैथी हो रहा है ज़्यादा एंगजाइटी हो रहा है आपका इमोशनल कंट्रोल कम होते जा रहा है या बढ़ रहा है दोनों में आपको हो सकता है ये कोई सम फॉर्म ऑफ फॉगेटफुलनेस है तो या तो आप इसको नज़र करो या घर वाले जो भी है वो नज़र करें तो यू मस्ट विजिट अ डॉक्टर डिमेंशिया का सबसे अर्ली साइन ये होता है कि इमीडिएट चीज़ें भूलना लाइक खाना खा के कोई घर में अगर बोल रहे मुझे खाना नहीं दिया खाना दे दो तो दैट इज़ डेफिनेट डिमेंशिया डिमेंशिया का आखिरी टाइम तक लोग पुराने चीज़ कौन सा स्कूल में पढ़े कौन सा कॉलेज में पढ़े ये याद रखते हैं तो दैट इज नॉट डिमेंशिया दैट इज मैंने दैट डोंट बी इन इन ए कन्फ्यूशन कि पुरानी चीज़ याद है मतलब डिमेंशिया नहीं डिमेंशिया के बारे में हम लोग जल्द से जल्द डॉक्टर के पास इसलिए जाना चाहिए एक बार पूरा पूरा डिमेंशिया हो गया तो इसके पास इसके इसके बाद बहुत ज़्यादा इलाज नहीं है इसका उसके साथ सीनियर सिटीजन में जो और एक बड़ा पैमाने में आ रहा है वो है डिप्रेशन एंड सोशल आइसोलेशन विथ एज तो डिप्रेशन का निशानी क्या होता है कि अकेलेपन अकेले में ज़्यादा रहना लोगों से बात कम करना लगना कि कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है खाना खाने में मन नहीं है कभी कभी ये भी लगता है कि दुनिया भी खत्म हो जाएगा ये सब सिम्टम रोने का मन करेगा ये सब अगर होता है तो ज़रूर डॉक्टर के पास ले जाइए घर में जो भी है या खुद डॉक्टर के पास जाइए जिनको ये फीलिंग हो रहा है क्योंकि सीनियर सिटीजन में डिमेंशिया बहुत कॉमन है लेकिन बहुत ही अंडर ट्रीटेड है अंडर डायग्नोस है क्योंकि डॉक्टर पास आते ही नहीं है लोग ये सोचते हैं Uh, कि उम्र हो रहा है तो इज अ नॉर्मल नेचुरल फिनमोन दिस इज नॉट ए नॉर्मल नेचुरल फिनेमोन सो डिप्रेशन एंड कॉगनेटिव इम्पेयरमेंट दोनों को हमें इलाज करना चाहिए अर्ली स्टेज में ताकि उनको एक्टिव एंड हेल्दीजिंग दिया जाए उसके बाद uh, होता है जो कॉमन प्रॉब्लम वो है मस्कुल स्केलेटल पेन क्योंकि मसल वीक हो रहा है और मोस्ट ऑफ द जॉइंट को मसल uh, पकड़ के रखती है तो अगर मसल वीक हो जाता है तो जॉइंट के अंदर की जो स्पेस है वो वो कम हो जाती है तो दोनों जॉइंट घिस जाएगा तो हो इसी को ये हो सकता है बैक में जिसको लंबर स्प्डोल कहते हैं ये हो सकता है शोल्डर में ये हो सकता है नी में नी में हो तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी कहते हैं विच इज वेरी कॉमन इन एल्डरली तो कोई भी ऑस्टियोआर्थराइटिस आस हो कोई भी जगह पे जॉइंट uh, में पेन हो Uh, अगर ये ऑस्ट्रियोआर्थिस के कारण है एक एक्सरे करके समझा सम्झ, जा सकते हैं तो यू मस्ट विजिट अ फिजियोथेरापिस्ट एंड नॉट ए डॉक्टर क्योंकि इसका इलाज है एक्सरसाइज इसका इलाज में कोई दवाई नहीं काम करता है आप ओवर द काउंटर पेन किलर ना लीजिए कोई सप्लीमेंट्री ड्रग नहीं है जो इसमें हेल्प करता है तो डोंट टेक एनी मेडिसिन फॉर ऑस्ट्रियोआर्थिस अगर बहुत दर्द होता है तो हम जो बुखार का गोली है पैरस्टेमोल वो हम ले सकते हैं वन ग्राम टी तक तीन बार तक पैरास्टेमोल इज सेफ फॉर एज ए पेन किलर फॉर एल्डरली पीपल और उसमें भी एक्सरसाइज में भी आपका अगर तीन चार महीने में ठीक नहीं हो रहा है तो यू मस्ट विजिट ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द स्पेसिफिक ज्वाइंट स्पेशली नी ज्वाइंट में जो कि बहुत कमन है उसके बाद है मैं डिस्कस करूंगा मुंह के अंदर जो डेंचर है डेंचर बहुत सारे सीनियर सीजियन सोचते हैं कि और दांत रख के भी क्या होगा खत्म हो गया तो नहीं लगाना चाहिए बट चीविंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डाइजेशन तो डेंटल डेंचर आप जरूर लगाइए 99 इयर्स में भी हमारा पेशेंट है जिनको डेंचर लगा के उनको फ़ायदा हुआ है क्योंकि चबाएंगे तो सलाइवरी सिक्रेशन होगा तो आपका माउथ में भी नहीं तो जलन होना शुरू हो जाएगा उसे बर्निंग माउथ सिंड्रोम कहते हैं जिसका भी इलाज आपको कराना चाहिए तो डेंचर इज़ ए मस्ट चबाना खाने में जरूरी है उसके बाद हजम की शक्ति हजम की शक्ति थोड़ा उम्र के साथ साथ कम हो जाती है ये लेकिन इसका कारण जो मेनली है वो जो हमारा फूड पाइप है खाने का जो नली है उसका मूव वो बहुत फास्ट फास्ट मूव करते रहते हैं उम्र के साथ साथ इसका मूवमेंट थोड़ा कम हो जाती है तो जब इसका मूवमेंट कम हो जाएगा तो खाना ज़्यादा देर तक स्टमक में रह जाता है तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा चलना चाहिए हम जितना चलेंगे हमारा फूड पाइप भी उतना चलेगा ये आपको मानना है दूसरा है खाना कम कम खाना चाहिए बार बार खाना चाहिए एंड definitely, definitely यू should avoid एज मच एज पॉसिबल जितना गैस की गोली है पेंटोप्राजल हो जाए ओमिप्राजल हो जाए uh, रैनटैक हो जाए फैमटैक हो जाए दिस यू मस्ट अवॉइड क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एब्यूज हो रहा है दिन ब दिन प्रैक्टिस में इवन साइंटिफिक स्टडी में देखा गया मोर देन सिक्सटी परसेंट जो पेंटोप्राजल प्रिस्क्रिप्शन होती है पेंटोजल ओमिप्राजल वो सही नहीं था तो जो जो आप ये खाते हैं उनको आपको छोड़ना है खाना कम कम खाइए बार बार खाइए थोड़ा बहुत इंडिजेशन इज़ ए नॉर्मल पार्ट कम खाने से आदमी अच्छे भी रहते हैं तो बहुत ज़्यादा खाना खाने की जरूरत नहीं बट टेक अ प्लेटी एंड बैलेंस डाइट विथ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स तो ये होगा और इसी के साथ रिलेटेड है कंस्टिपेशन कंस्टिपेशन के बारे में बहुत सारे मिथ है कि रोज़ हमें बहुत ज़्यादा लैट्रीन होना है साफ होना है एक बार में होना चाहिए दिस इज अ वेरी रॉन्ग कंसेप्ट रैदर कंस्टिपेशन का माने होता है साइंटिफिक डेफिनेशन uh, में कि हफ्ते में तीन दिन से कम अगर आपका होता है तो दैट इज़ कंस्टिपेशन तो आप समझ सकते हो हफ़्ते में तीन दिन से कम तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग रोज आता है लेकिन थोड़ा कम होता है तो इसलिए बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल एड एजेंसी का थ्रू जो जो बहुत सारे चून वगैरह वगैरह आते हैं एंड नो मेडिसिन इज सेफ नो मेडिसिन इज़ रिक्वायर चाहे वो कोई भी पैथी हो नेचुरोपैथी आयुर्वेदिक एलोपैथी कुछ भी हो यू शुड नॉट टेक एक्स्ट्रा मेडिसिन फॉर ए नेचुरल प्रोसेस बिकॉज मोशन इज़ ए वेरी नेचुरल प्रोसेस जिनका थोड़ा कम होता है लगता है दे शुड प्रैक्टिस अर्ली मॉर्निंग एंड कोई भी लार्ज मिल के बाद वो टॉयलेट जाए क्योंकि उस टाइम में हाई फ्रिक्वेंसी कोलोनिक मूवमेंट होता है तो आपको लगेगा थोड़ा उस टाइम पास हो सकती है बट डोंट वरी फॉर दिस और कंस्टिपेशन के साथ इनडाइजेशन का हार्ट अटैक होने का छाती में दर्द होने का हेड का डिप्रेशन का कोई संबंध नहीं है ऑल इज इन योर माइंड इट इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ योर इमोशन आ, इसके बाद आता है कुछ कुछ लोग सांस का बीमारी कहते हैं उम्र के साथ साथ क्योंकि लंग का कैपेसिटी थोड़ा कम हो जाता है तो थोड़ा सांस का दिक्कत हो सकती है तो डॉक्टर से मिलकर आप लंग फंक्शन टेस्ट जिसको पी कहते हैं उसको करा लीजिए एक चेस्ट एक्सरे करके देख लीजिए अगर दोनों नॉर्मल है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना एक्सरसाइज करिए और लंग को लंग को और धीरे धीरे लंग में भी मसल है तो मसल को लंग मसल को भी रिवाइव कराया जा सकता है चेस्ट पेन हो हार्ट प्रॉब्लम हो आपके पास आपको पहले से डायबिटीज हाइपरटेंशन है तो जरूर डॉक्टर से मिलकर एक बार हार्ट चेकअप करा लीजिए क्योंकि उम्र के साथ साथ आपका हार्ट का जो एक तो पंप करने का क्षमता हार्ट मसल भी वीक होती है और जो हार्ट का ट्रिगरिंग मशीन है दैट इज कॉल एसिनोड उसका भी सेल कम हो जाती है तो हार्ट रेट हार्ट ब्लॉक होने का चांस संभावना रहता है जिसके लिए पेस मेकर जरूरी होता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए हार्ट ब्लॉक का कोई सिम्टम ना भी हो सकता है कभी कभी ये लॉस ऑफ कंसिस्टेंस के दौर पे आ सकते हैं जिसको हम सिंकुप कहते हैं तो आपको डॉक्टर से मिलके उसका इलाज जरूर कराना चाहिए और फॉर मेल एल्डरली उनको गुर्दों का प्रॉब्लम होता है जिसको प्रोस्टेटिक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया कहते हैं बी कहते हैं उसके लिए आप डॉक्टर से मिलिए अल्ट्रासाउंड करिए कितना यूरिन जम रहा है वो देखिए गोली है इसका एज पर योर सिम्टम गोली को इलाज करना चाहिए बट रिमेंबर वन थिंग प्रोस्टेट सर्जरी का Uh, जो इंडिकेशन है वो है आपका प्रॉब्लम कितना जो, जो दिक्कत कर रहा है आपको लाइक बार बार बाथरूम जाना पिसाब में बार बार इन्फेक्शन होना रुकना रुक नहीं पा रहे हो ये सब अगर आपको है तो जरूर आपको छोटा सा एक ऑपरेशन है टी यू आर पी करके उसको निकाल देना चाहिए अगर आप 80 साल के ऊपर के हो गए हो तो प्रोस्टेट धीरे धीरे ऐसे ही छोटा हो जाएगा तो इन दैट केस यू डी नॉट टू गो फॉर सर्जरी बट प्रोस्टेट को बार बार दिखाते रहना है कोई भी एंडोक्रिन जो ऑर्गन है उसमें फ्यूचर में कैंसर होने का एक संभावना रहता है तो डॉक्टर के साथ हर साल एक बार कंसल्ट करके ये बेसिक चीज़ को दिखाना चाहिए